दवारी काला के चंद शेर चंद कथे पे मुलाजम रहे। कलमा हर सुबह शाम है,
दिल में दरूद लब पे कलमा हर सुबह शाम है, हर कब्बाल मजीबुर रहमान इनका ही नाम है। हिंदू भाई को नमस्ते, मुस्लिम भाई को मेरा सलाम है। तो आइए हम तुम्हारी ताला के चंद शेर पे मुनाजा करें। सिलसिले में नए हैं और आप तमाम साहिबीन की दुआओं की जरूरत है, आप इनके हक में दुआ कर देंगे ताकि ये काम को अंजाम दे सके। और जो भी इनसे भूल या गलती हो तो खुदा के वास्ते नजरअंदाज कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। दुश्मन हमला,
मेरा अल्लाह मुझे रोज बचा लेता है। अल्लाह मुझे रोज बचा करता है मेरी जात पे दुश्मन हमला। आप लोग अभी समझ ही गए होंगे कि हम लोगों के दुश्मन कौन है। सबसे बड़ा दुश्मन ये माइक वाले हैं भाई, अभी से ही दुश्मनी करना चालू कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे। हेलो हेलो बेकार हो गया भाई। खास करम है मालिक तेरा, खास करम है घर घर खुशहाली, घर घर है खुशहाली। तो एक पल में तू भर देता है, एक पल में तू भर देता है सबका दामन खाली। तूने कैसे कैसे फूल खिलाए, फूल खिलाए।
बीनी बीनी तू से तबीयत खिल जाए अल्लाह तबारक ताला ने हम इंसान हम बंदों के हाथ में सब कुछ दे दिया कि ऐ बंदे कि तुम जाओ दुनिया में तुम्हारी मर्जी, जब तुम हमारे कब्जे में आओगे तो सारा हिसाब किताब होगा। सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ने दो ही चीज अपने हाथ में रखा, एक हयात और एक मौत। वो पैदा कर सकते हैं, वो दुनिया से ले जा भी सकते हैं। इसलिए कहना है कि अल्लाह तेरी शान निराली, मौला तेरी शान निराली। और किसी शायर ने कहा है कि मिटना तो सभी को है, तेरी जाति क्या है, मरना सबको है, इस दुनिया से जाना सबको ही है। जो हमारे अभी पीएम मोदी है उनको भी मरना है, चाहे वो इस दुनिया में कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन जाना होगा। इसलिए शायर कहते हैं कि मिटना तो सभी को है, तेरी जात ही क्या है, और तू ही बता तुझ में बड़ी बात ही क्या है, मौत का हल्का सा तमाचा ही बहुत, ऐ मिट्टी के खिलौने तेरी औकात ही क्या है। हम इंसान जो है मिट्टी के हैं, उनके सागे हमारे उनके आगे हमारी कोई भी मक्कारी नहीं चलेगी। इसलिए फिर शायर कहते हैं कि अल्लाह के बंदे तूने सोचा भी क्या होगा, अल्लाह के बंदे तूने सोचा भी है क्या होगा, और बदकार जिंदगी का अंजाम बुरा होगा, खुली रही आंखें ये नक्शा भी जुदा होगा, जब मौत का फरिश्ता तेरे सीने पे खड़ा होगा। I'm not afraid.
अल्लाह तेरी जान डाली, अल्लाह तेरी जान डाली, अल्लाह तेरी जान डाली, कसम खाकर आए हैं कि नहीं बैठना है कमाली में जाकर। अगर नहीं बैठेंगे तो वो भी मेरे पास दवा है। दवा ये है कि वहां कौन है जो राहों में लाचार बैठे हैं, वहां कौन है जो राहों में लाचार बैठे हैं और मुसाफिर है सफर करने से हिम्मत हार बैठे हैं। होते अगर आसी के रसूल तो बैठ जाते अदब से और जैसे खड़े हैं कि जैसे चौकीदार लगते हैं। और ऐसे जीने से बेहतर खासी अच्छी हो सके तो माई वाले कहीं पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माई के आवाज से इन लोगों की खासी अच्छी। क्या हुआ? कोई नहीं धरती से धरती की तू पैदा कर देता है ताना, तेरी शान डाली बोला अल्लाह तेरी शान निराली, मौला तेरी शान निराली। वैसे हमारे कबाल साहब सुनने में मिला के वार्ड सदस्य भी है,
लेकिन इस शहर में हमारे फरमाते हैं हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी उस परिंदों की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। लेकिन फिर कहना है कि तू है भाई, आज कभी आवाज है। अभी हमारे देश में दंगा हो रहा है जगह जगह, कोई कहते हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, कोई कहते हैं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओ। लेकिन हमारे शायर का कहना है कि तू है हिंदू मैं हूँ मुस्लिम, दोनों है इंसान। क्या भाई है कि नहीं इंसान? अगर हाथ को काट के खून निकाल लिया जाए तो दोनों एक बराबर है कि नहीं? और वहां से अल्लाह तबारक तआला ने एक ही बना करके भेजा, इस दुनिया में आके बंटवारा हुई है। ये बहुत लंबी कहानी है, तो खैर छोड़िए उनको। कहना है कि तू है हिंदू मैं हूँ मुस्लिम, दोनों है इंसान। तू है हिंदू मैं हूँ मुस्लिम, दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लू तू पढ़ ले कुरान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लू तू पढ़ ले कुरान। मगर अपने दिल में यारो एक ही है अरमान, एक ही थाली में मिलजुल कर खाए सारा हिंदुस्तान। Allah 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 Allah